समाचार में दबांजी मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2.0 किया ताकि देशवासियों को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। प्रशासन भी लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन लोगों से लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन करवा रहा है। इस दौरान लोगों का काम धंधा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों पर पड़ी, जिनका पूरा परिवार मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। दरअसल वाराणसी में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, जिनके हाथों से बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय और लस्सी का आनंद भी काशीवासी लेते हैं। तो इन्हीं के हाथों से बने घड़ों का ठंडा पानी तपते मौसम में लोगों की प्यास भी बुझाता है, पर लॉकडाउन 2.0 के कारण अब इनकी बिक्री बंद है। जो कुम्हार इस व्यवसाय से जुड़ा है उसके हालात बद से बदतर हो चुके हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उदास बैठे अपने हाथों से बनाए गए कुल्हड़ को देखते ये हैं जगदीश प्रजापति, जिनका पूरा घर इनके इस व्यवसाय से चलता है। जगदीश का ये पुश्तैनी काम है जो वो बखूबी करते हैं, पर आज कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के चलते उनका चाक बंद पड़ा है। जगदीश चाय और लस्सी पीने वाला मिट्टी का कुल्हड़ व गर्मी के दिनों में गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के घड़े और पूजा में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी का दिया बनाने का काम करते हैं। पर सब कुछ बंद होने की वजह से आज जगदीश के चेहरे पर उदासी देखने को मिल रही। आपका जगदीश प्रजापति। जगदीश जी, ये बताइए कि कितने सालों से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं? कारोबार से जुड़े हैं 50 साल से। तो इतने मायूस उदास क्यों हैं आप? उदासी ऐसे है कि हाफ डाउन चल रहा है, माल बिक नहीं रहा है, क्या खाएंगे क्या पियेंगे, बच्चा सब जुट रहा है इसी में, कैसे रहेंगे कैसे क्या करेंगे, तो ऐसे जो है कि चिंता हो गई है शरीर में, कैसे चलेंगे बताइए। तो आम दिनों के मुताबिक किस तरीके से आप लोगों की बिक्री हुआ करती थी, अब क्या स्थिति है? अब पहले बिक्री होती थी, जाते आते थे पैसा मिलता था, अब तो वो भी बंद हो गया, हाफ लीटर लग गया हाफ डाउन में, सब एकदम कारोबार नष्ट है एकदम, कैसे दियेंगे कैसे खाएंगे सरकार बताइए आप लोग। दिनेश कुमार। दिनेश जी, इस लॉकडाउन में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? इस लॉकडाउन में बहुत तरह की समस्या आ रही है, माल हम लोग का बाहर जा ही नहीं रहा है, परेशानी हो रहा है। इसके पहले माल जा रहा था, इस वक्त माल जा ही नहीं रहा है, बना कर माल घर पर ही रख रहे हैं इस वक्त। इस सीजन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ करता है? थोड़ा चाय वाला कम हो जाता है, लस्सी वाला पूरा ज़्यादा चलता है इसमें। और थोड़ा जो वो झंझट वंझट चलता था, अभी तो जा ही नहीं रही माल, तो कहाँ से तैयार करेंगे हम लोग। तो क्या अब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी तरह की सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आम दिनों के मुताबिक किस तरीके से आप लोग का सामान लेते थे और अब क्या स्थिति है? ऐसा है कि हम लोग जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो 1,000-1,100-1,200 कमा लेते थे 3-4 लोग मिलकर, अभी इस वक्त 400-500 कमाने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सब बनाकर स्टॉक रख रहे हैं? हाँ, सब माल बनाकर स्टॉक रख रहे हैं घर पे। सिर्फ जगदीश ही नहीं बल्कि इस काम को करने वाले बनारस में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सामने इन दिनों जीने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।